मार्केट प्लेस के क्यू एंड ए वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम मार्केट प्लेस से जुड़ी जितनी भी इश्यूज आप लोगों को आ रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें कि मैंने जो देखा है सबसे ज्यादा इश्यूज इस चीज पे आ रहा है कि मैसेजेस आते हैं हाय इज दिस अवेलेबल, उसके बाद कस्टमर रिप्लाई नहीं करते। दूसरा जो मेजर इश्यू है वो ये है कि ग्रुप में हम पोस्ट करते हैं लेकिन वो पेंडिंग हो जाता है। और तीसरा कि जो मार्केट प्लेस में हम जब प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं बट उसके बाद वो वाले ग्रुप शो नहीं करते ज्वाइन करने के लिए, लिस्ट करने के लिए जिस ग्रुप को हमने ज्वाइन किया है, जिस ग्रुप में हम पोस्ट करना चाहते हैं, बट मार्केट प्लेस में पोस्ट करते वक्त वो सारे ग्रुप हमको शो नहीं करते। तो ये तीन इश्यूज मैंने देखा, इस पे बहुत ज्यादा ही कॉमेंट्स थे। सबसे ज्यादा कॉमेंट ये मैसेजेस पे थे कि कस्टमर के मैसेजेस तो आते हैं बट कस्टमर रिप्लाई नहीं करते, उसके आगे हमको ऑर्डर नहीं मिलता। तो ये तीन टॉपिक तो हम कवर करेंगे, इसके साथ साथ भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं अलग अलग टॉपिक पे। आई थिंक ये सारे के सारे नए हैं मेरे सब्सक्राइबर, क्योंकि जो जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं इन टॉपिक पे कहीं ना कहीं मैंने सारे वीडियोस में बताया है जो बाकी के टॉपिक हैं, बट स्टिल मैं सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो मार्केट प्लेस से जुड़ी एक एक चीज, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग को जानने बहुत जरूरी है अगर आप इससे रीसेलिंग कर रहे हो या आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो। ठीक है, चलो बकवास को साइड में रखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट कमेंट की तरफ। तो सबसे पहला कमेंट है हमारा है कि ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप कैसे ज्वाइन करें। बहुत ही सिंपल है, फेसबुक पे आप जाते हैं वहां ग्रुप ऑप्शन आपको नजर आ जाता है, ग्रुप ऑप्शन पे आपको सर्च बार का ऑप्शन नजर आता है, वहां पे आप लिख दीजिए ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप। तो वहां पे बहुत सारे ग्रुप लाइन से आपको दिखा देंगे ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप के, आपको सिंपल नीचे लिखा रहता है ज्वाइन ऑप्शन, उस ज्वाइन पे क्लिक कर देना है। देखो इसमें भी ना दो तरीके के ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप ऐसा होता है कि आप जैसे ज्वाइन करते हो तुरंत के तुरंत ज्वाइन हो जाते हो और आप पोस्ट कर सकते हो, और कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जब आप उसमें ज्वाइन करने जाते हैं तो वहां पे कुछ मैसेजेस आपके पास आते हैं जैसे कि आर यू सेलर और बायर, या फिर इस टाइप से आता है आर यू सेलर, मतलब कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आ रहे हैं इसलिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। बायर आप सेलेक्ट करते हो तो मतलब इस प्रोडक्ट पे जो जो भी सेलर है प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं आप उनको खरीदने के लिए यहाँ पे आ रहे हो। ठीक है, तो आप अगर रीसेलर हो प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो तो आपको सेलर चूज करना है। उसके बाद ग्रुप के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनके बारे में पूछा जाता है कि आप इन पॉलिसी को फॉलो करते हैं तो ही इस ग्रुप में ज्वाइन होने की परमिशन आपको मिलती है। ये दो अलग अलग टाइप के ग्रुप होते हैं, एक में तुरंत हो जाता है जैसे आप ज्वाइन करते हैं, दूसरे में आपको ये पूछता है, तो वो सारी चीजें करने के बाद ही आप वहां पे ज्वाइन होते हैं। तो बस इतना ही रहता है। अभी ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप के अलावा जो भी ग्रुप का नेम आपको सर्च करना है वो आप कर सकते हैं, नॉर्मल शॉपिंग ग्रुप है या फिर सिटी वाइज आप करना चाहते हैं मुंबई ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप, या फिर कोई भी नेम से भी सर्च कर सकते हैं, मीशो ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप, फ्लिपकार्ट शॉपिंग ग्रुप, अमेजोन शॉपिंग ग्रुप, जो भी शॉपिंग ग्रुप आप जिसमें भी ज्वाइन करना चाहते हैं सिंपल ग्रुप का नाम आपको ऊपर लिखना है, सारे ग्रुप आपको लाइन से मिल जाएंगे, ज्वाइन करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट कॉमेंट है मैम फेसबुक के अलावा व्हाट्सएप पर प्रोडक्ट लिस्ट किया जाता है या नहीं, आई वॉन्ट टू नो इन डिटेल्स। ऑफकोर्स किया जाता है, मैं खुद करती हूँ। फेसबुक के अलावा व्हाट्सएप पे भी प्रोडक्ट लिस्ट किया जाता है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बिल्कुल बताऊंगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज इसमें हम मार्केट प्लेस के सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं तो उसमें ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है वैसे ही, तो मैं इसको डिटेल में आपको व्हाट्सएप पे प्रोडक्ट लिस्ट करके बताऊंगी। और हाँ, मैंने व्हाट्सएप चैनल भी बताया है कि कैसे बनाया जाता है, ये वीडियो आप जाकर के जरूर देख लेना, तो चैनल आप बना लेना। चैनल पे भी प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करते हैं, स्टेटस पे कैसे करते हैं आप, व्हाट्सएप पे किस तरीके से प्रोडक्ट को लिस्ट किया जाता है, सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर जरूर करूंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एफबी में, एक मिनट, हाँ अभी ये वाला क्योंकि बहुत लंबा है तो उसको अभी इस पे रखते हैं। हेलो मैम, क्या फेसबुक पर हम प्रोडक्ट लिमिटेड डाल सकते हैं? इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, ये वीडियो जिसमें मैंने बताया है कि वीकली लिमिट होती है फेसबुक मार्केट प्लेस भी, फेसबुक मार्केट प्लेस की कभी कभी ऐसा हो जाता है टंग मतलब स्लिप हो जाती है, फेसबुक मार्केट प्लेस पे लिमिट अभी लगा दी गई जो नए यूजर्स थे, पहले से जब से मैं यूज़ कर रही हूँ आई थिंक 5-6 साल हो गया मुझे यूज़ करते हुए, पहले कोई लिमिट नहीं थी, जितना चाहो उतना आप अपलोड कर सकते थे, लेकिन अभी लिमिट लगा दी गई, वीकली आप सिर्फ 10 प्रोडक्ट ही लिस्ट कर सकते हो, मतलब 10 पोस्टिंग आप कर सकते हो। उसके बाद है
अगर फेसबुक में ग्रुप नहीं बनाया हो तो क्या करें? फेसबुक में आपको ग्रुप नहीं बनाना है, ग्रुप ज्वाइन करना है। फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे शॉपिंग के। अगर आप एक रीसेलर हो, अगर आप एक सेलर हो या बिजनेसमैन हो, अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आए हो ग्रुप में, तो आपको सिंपल से ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। वैसे आप मार्केट प्लेस में भी लिस्ट कर सकते हो, बट ग्रुप में जितने ज़्यादा आप ग्रुप ज्वाइन करोगे उतने ज़्यादा आपको ऑर्डर्स मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है? इसलिए तो ग्रुप में ज्वाइन होना ज़रूरी है, वरना आप प्रोडक्ट कहाँ पे लिस्ट करोगे? तो फेसबुक में ग्रुप बनाना नहीं है, ग्रुप में ज्वाइन होना है और उसमें प्रोडक्ट को आपको लिस्ट करना है। नेक्स्ट है हमारा, एक ही लोकेशन पे अगर तीन प्रोडक्ट लिस्टिंग है तो केवल एक ही प्रोडक्ट के लिए मैसेज आते हैं एंड वो भी ठीक से रिप्लाई नहीं करते। ऑर्डर्स तो एक दो ही होते हैं, क्या सॉल्यूशन है? अगर आपकी स्टार्टिंग है और आपको अगर एक या दो ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ये। दूसरी चीज, अगर तीन प्रोडक्ट आप लिस्टिंग कर रहे हैं एक ही लोकेशन पे, ओके, अगर एक लोकेशन पे आप तीन प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो, वो भी अगर एक साथ में कर रहे हो, मतलब एक दिन में ही तीन प्रोडक्ट आप कर दे रहे हो, सुबह किया, दोपहर किया, शाम को कर दिया आपने, ठीक है? अब तीन प्रोडक्ट आपने लिस्ट करते हो, उन तीनों में सिर्फ एक पे ऑर्डर इसलिए आ रहा है, उन तीन में जो बेहतर प्रोडक्ट होगा, जो मार्केट प्लेस पे ज्यादा सेल होता है, तो इसीलिए उस एक प्रोडक्ट पे ही मैसेजेस आ रहे हैं। एंड आप चेक करो वो प्रोडक्ट कौन सा है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है लिस्टिंग करते वक्त कि जिस प्रोडक्ट पे आपके कस्टमर्स के मैसेज आ रहे हैं, नए नए मैसेजेस आ रहे हैं बाय करने के लिए, उन प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करिए। अब जैसे उन तीन में आपको समझ में आया कि ये एक प्रोडक्ट पे ही आपको मिल रहा है, ठीक है, एक प्रोडक्ट पे ही आपको मैसेज आ रहा है, तो उसी प्रोडक्ट पे ही आप और भी लिस्टिंग करिए ताकि आपको और मैसेजेस होंगे। एंड मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, एक साथ कभी भी दो तीन प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करिए एक दिन में। मतलब आज का दिन है तो आज के दिन पे आप एक ही प्रोडक्ट लिस्ट करिए, लेकिन प्रोडक्ट तगड़ा लिस्ट करिए। मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, कैसे लिस्ट किया जाता है, कौन से ग्रुप में आपको लिस्ट करना है, हर एक चीज़ बताइए, तो वीडियो आपने देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम मार्केट प्लेस पर शेयर करने का कोई टाइम है या जभी भी शेयर कर सकती हूँ, प्लीज़ बताइए। मार्केट प्लेस पे शेयर करने का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, आपको जिस टाइम पे लिस्ट करना हो आप लिस्ट कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, दोपहर में भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो। ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कि सिर्फ इस टाइम फ्रेम के बीच में ही आप लिस्ट कर सकते हो, कोई भी टाइम पे आप शेयर कर सकते हो प्रोडक्ट को। नेक्स्ट है, दीदी मेरे पुरानी FB ID पर मार्केट प्लेस में कोई दिक्कत आ रही है, तो अगर मैं न्यू ID बनाऊँ तो कस्टमर आएगा या नहीं? कोई चक्कर तो नहीं है कि कभी कस्टमर कहे कि न्यू ID है और ऑर्डर भी ना करे, प्लीज़ बताना। नहीं, अगर देखो पुरानी FB ID पे आपको अगर कुछ दिक्कत आ रही है मार्केट प्लेस से, तो आप नया फेसबुक अकाउंट बना सकते हैं। और पता है, एक्चुअली मेरे पास कुछ कॉमेंट ऐसे भी आए थे कि फेसबुक पे हम जैसे ID बनाते हैं, अब कुछ लोग होते हैं जैसे फेसबुक चलाना पसंद नहीं करते, या फिर ID में ये सोचते ना बहुत सारे मैसेजेस रिक्वेस्ट आती हैं, तो आप उसको ऑफ कर सकते हो, और जो अपना फेसबुक अकाउंट है ना आप उसको प्राइवेट रख सकते हो। मार्केट प्लेस का एक टाइप का पेज है जो आपका मार्केट प्लेस पर, आपको सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, एंड वहाँ पे जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, पब्लिक करते हो, तो वो सब मार्केट प्लेस पे जाता है। मार्केट प्लेस मतलब जो लोग प्रोडक्ट बाय करते हैं, सेल करते हैं, वहाँ पे वो नज़र आता है, उससे आपकी कुछ प्राइवेट चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें नहीं रहती हैं, तो आप फेसबुक अकाउंट प्राइवेट करके भी मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। और अगर आपका पुराना फेसबुक मार्केट प्लेस में कुछ दिक्कत आ रही है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप नए FB ID जो है फेसबुक अकाउंट बना के उसमें मार्केट प्लेस का यूज़ करिए। ज़रूरी नहीं कि कस्टमर जो आपको वहाँ मिलेगा वो यहाँ पे भी मिलेगा, नहीं, कस्टमर डेली चेंज होते रहते हैं, क्योंकि आप प्रोडक्ट चेंज करके डालोगे और कोई कस्टमर आपको जानता तो है नहीं कि किस कस्टमर से आप पर्टिकुलर बात कर रहे हो, ये नाम की ID थी और इससे मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसा आप नया अकाउंट भी बनाते हो उसमें भी अगर आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो मार्केट प्लेस पे, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कस्टमर आपको मिलेंगे। लेकिन कौन कौन से ग्रुप में करना है वो मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी अपने इस वीडियो में, एंड मीशो का कंप्लीट कोर्स वीडियो में मैंने आपको बताया कि मार्केट प्लेस में कौन कौन से ग्रुप हैं जिसमें आप लिस्ट करोगे तो ऑर्डर मिलेंगे, तो वो भी जाके चेक कर लेना। तो अगर नया अकाउंट बना रहे हो तो उसमें काफ़ी हेल्प होगी आपकी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, एक मिनट, हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा FB में ये वाला, क्योंकि ये अभी तीसरे नंबर पे आया था मेरे पास, तो मैंने कहा इसमें थोड़ा ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करना पड़ेगा। FB में ग्रुप्स में पोस्ट लिस्टिंग पेंडिंग आर्टिकल्स है, तो वो पोस्ट कब होती है और तुरंत ही पोस्ट हो जाने के लिए क्या करें, ये इशू बहुत ज़्यादा लोगों को आ रहा है, इसी से रिलेटेड बहुत सारे कॉमेंट्स भी आए मेरे पास।
एफबी मार्केट प्लेस में ग्रुप में पोस्ट पेंडिंग दिखाते हैं, तो वो कब तक पोस्ट होंगे या फिर कब पोस्ट होते हैं पेंडिंग दिखा देता है, बहुत सारे लोगों का ये दिक्कत आ रहा है। तो देखो पता है क्या होता है, जब भी आप ग्रुप में मार्केट प्लेस में तो आप जैसे प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तुरंत लिस्ट हो जाता है, ओके, कोई दिक्कत नहीं आती। ग्रुप में क्या होता है, जब आप पोस्ट को अपलोड करते हो या मतलब पोस्ट करते हो प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, तो क्या होता है कभी कभी तुरंत हो जाता है एंड किसी किसी ग्रुप में आपको वहां पे पेंडिंग लिख करके आ जाता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि वो सिर्फ पेंडिंग में ही पड़ा रहता है, अपलोड ही नहीं होता है, मतलब वो पड़े पड़े बेकार है, आपका पोस्ट किसी को दिख नहीं रहा है, ठीक है, वो पेंडिंग है। आखिर वो पेंडिंग क्यों दिखाता है, वो इसलिए दिखाता है कि किसी किसी ग्रुप में ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जब आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पे लिखा होता है कौन कौन सी चीजें आपको पोस्ट करनी है और कौन सी नहीं करनी है। तो अगर आप जो ग्रुप किसी और चीज का है एंड प्रोडक्ट आप कुछ और वहां पे शेयर कर रहे हो, तो ये भी दिक्कत आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मल पोस्टिंग का ग्रुप होता है एंड वहां पे जब आप सेलिंग करते हो तो फिर वो जो पोस्ट होता है ना वो पेंडिंग में दिखा देता है। एंड दूसरी बात, जब पेंडिंग में दिखाता है तो उसका मतलब होता है कि जो ग्रुप का एडमिन है ना वो पहले आपके जो आपने पोस्ट किया है ना उसको चेक करता है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो वो पेंडिंग में ही रहता है। गड़बड़ी इन द सेंस, अगर आपने कुछ ऐसा ग्रुप ज्वाइन किया, किसी ग्रुप में ना ऐसा होता है, मैंने खुद ही पर्सनल ये किया है, मैंने पहले क्या ऐसे एक दो ग्रुप में ऐसे मैंने देखा कि पेंडिंग दिखाने लगा, मैंने पोस्ट किया पेंडिंग दिखाने लगा, फिर मैंने एडमिन से बात किया कि आखिर क्या इशू है, पेंडिंग क्यों दिखा रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, उन्होंने मुझे क्या रीज़न बताया था कि कभी कुछ ऐसा होता है कि हम ऑफर जैसे बताते हैं ना, जैसे फ्री शिपिंग, फ्री होम डिलीवरी, तो किसी किसी ग्रुप में ना ये फ्री वाला जो वर्ड होता है ना वो यूज़ नहीं करना होता है। आप सिंपल प्रोडक्ट का नेम लिख दो, प्रोडक्ट का डिटेल, जैसे मैंने आपको बताया है कैसे लिस्ट किया जाता है, वो सारी चीज़ें आप लिख दो, प्राइस लिख दिया और कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट लिख दिया, प्रोडक्ट की डिटेल लिख दी, प्रोडक्ट का नाम रख दिया, ठीक है। अब फ्री शिपिंग, फ्री होम डिलीवरी की जगह आप नॉर्मल लिख सकते हो नो एक्स्ट्रा चार्जेस। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ एक वर्ड जो आप अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में या फिर जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो वहाँ पे कुछ ऐड करते हो जो हमारे जो उस ग्रुप में मतलब नहीं होता है कि उस ग्रुप में आपको पोस्ट नहीं करना है, इस टाइप के वर्ड, तो इस वजह से भी आपका पेंडिंग दिखा देता है। दूसरी बात क्या होती है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हो जैसे कि कुछ मेडिसिन रिलेटेड या फिर कुछ अंडरगारमेंट्स वगैरह आप ऐसे प्रोडक्ट डाल रहे हो, तो ऐसे भी प्रोडक्ट ऑलवेज पेंडिंग में पड़े रहते हैं, वो अपलोड नहीं होते हैं। तो ग्रुप जब ज्वाइन आप करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि दो टाइप के ग्रुप होते हैं, एक फ्री में ज्वाइन हो जाता है और तुरंत आप पोस्ट कर देते हो, एंड सारे ग्रुप फ्री में ही ज्वाइन होते हैं, लेकिन कुछ ग्रुप में कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करना होता है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी जो पोस्ट होती है वो पेंडिंग ही रहती है, अप्रूव नहीं होती है। तो ऑलवेज ध्यान से आप जो भी ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं पहले आप चेक करिए उस ग्रुप में किस टाइप के पोस्ट हो रहे हैं, उस अकॉर्डिंग ही वहाँ पर पोस्ट करें, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम आप लोग की सॉल्व हो गई। दूसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैसेजेस आते हैं उसमें भी हम बात करेंगे, और देख लेते हैं, ये बता दिया मैंने, अरे पर ऑर्डर नहीं आ रहा है, चलो उससे अवेलेबल है तो मैसेजेस, ओके। अब हम आते हैं अपने ये मैसेज वाले पे, जैसे कि मेरे पास मैसेज आया, दीदी जैसे आपने बताया था सब किया पर मेरे ऑर्डर क्लोज नहीं हो रहे, मैसेज तो बहुत आ रहे हैं पर ऑर्डर नहीं डाल रहे हैं। नेक्स्ट है, हेलो दीदी, मुझे मार्केट प्लेस पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं, फिर एड्रेस सेंड नहीं करते, क्या करूं कि सब लोग मंगाए दे दूं। नेक्स्ट है, बहुत कस्टमर के मैसेजेस आया था 15 बट मैं टाइम पर रिप्लाई नहीं दे पाई, अब क्या करूं, कस्टमर के से कैसे बात करूं मैम, प्लीज़ बताओ। नेक्स्ट है, मैम मैंने प्रोडक्ट लिस्ट किया था और कस्टमर के मैसेज भी आए थे लेकिन मैं तब ऑनलाइन नहीं थी, बाद में मैंने रिप्लाई दिया लेकिन कस्टमर देख नहीं रहा। नेक्स्ट है, दीदू प्लीज रिप्लाई करेगा, मैं मार्केट प्लेस चलाती हूँ तो कस्टमर पूछते हैं पर मैं रिप्लाई देती हूँ तो फिर सीन नहीं करते, ये भी बहुत लोगों के कमेंट्स हैं कि प्लीज रिप्लाई, हम बहुत परेशान हैं इससे, ऑर्डर के लिए तो पूछते हैं बट लेते नहीं हैं, क्या करें मैम, ऑर्डर नहीं आते, फ्रॉड ऑर्डर आते हैं। ओके दी, मैं मार्केट प्लेस पर ऑर्डर नहीं आता, क्या करें, नंबर मांगते हैं, मैं इतने दिन से मार्केट प्लेस में काम कर रही हूँ, कुछ नहीं हुआ, ना कोई कस्टमर आया, सब कुछ लिया, मतलब इसी से रिलेटेड मेरा कमेंट और मेरे डीएम्स में मतलब ऐसे ही मैसेजेस बहुत ज़्यादा भरे थे कि हमारे पास मैसेजेस आते हैं, लिख के आता है हाय इज दिस अवेलेबल, मतलब हमको कस्टमर पूछ रहे हैं प्रोडक्ट पे, मतलब क्लिक कर रहे हैं और मैसेजेस कर रहे हैं, लेकिन जब हम उनको आंसर देते हैं यस ये अवेलेबल है और जो भी हम पूछते हैं, बट उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं आता, उनका कोई रिप्लाई नहीं आता, तो क्या करना चाहिए। देखो पता है ऐसा होता है, सही से समझाती पूरा,
तो ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, और ये स्टार्टिंग में तो वो मेरे साथ जब मैंने ज्वाइन किया था तभी बहुत ज़्यादा होता था, फिलहाल के लिए ऐसा नहीं होता। अभी क्या होता है कि मेरे पास अगर 25 या 30 ऑर्डर्स आ रहे हैं या मैसेजेस आ रहे हैं तो उसमें से मोस्टली मेरे 20 या 22 ऑर्डर हो जाते हैं, 6-7 ऑर्डर ऐसे होते हैं कि मतलब वो ऐसे ही रहते हैं, हाँ यस अवेलेबल पूछ के गायब, फिर वो दिखते ही नहीं है। तो ये चीज़ ऐसे होती है ना कि ये आपके डील करने पे भी रहता है, एंड कभी कभी क्या होता है कस्टमर से ये जो चीज़ें होती है ना वो गलत मतलब ऐसे टिक भी हो जाता है। क्या होता है कभी हम प्रोडक्ट पे जाते हैं ना तो लोग ऐसे नॉर्मली क्लिक कर देते हैं एंड उनको इंटरेस्ट नहीं होता है और वो ऐसे मैसेज कर देते हैं, पहली तो ये चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से दोबारा आपको आंसर नहीं मिलता। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब वो आपको मैसेज करते हैं अगर उस टाइम पे आप प्रॉपर रिप्लाई कर देते हो ना तो आपको ऑर्डर्स मिलते हैं। तीसरी बात ये कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप कैसे डील करते हो कस्टमर को, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको कस्टमर ने मैसेज किया है, अब अगर कस्टमर ने रात को 11-12 बजे मैसेज किया, आपने सीन नहीं किया, ठीक है, आप रात के 2 बजे ऑनलाइन है, आप तब उसको रिप्लाई कर दो, ठीक है, या आप सुबह आप रिप्लाई कर रहे हो तो अगर उसने पूछा है कि अवेलेबल है करके तो आपको उसको तुरंत बोलना है यस अवेलेबल, एंड उसके बाद आप देख रहे हो कस्टमर का रिप्लाई नहीं आया, आपको दोबारा अपनी तरफ से मैसेज करना, वहीं से आपको मतलब ये नहीं करना रहे बस अब तो आया इसका दोबारा से मैसेज, उसके मैसेज का हमको वेट नहीं करना है, हमको अपनी तरफ से अपना 100% दे देना है, ठीक है, मतलब अपनी तरफ से हमको सारी चीज़ें कर देनी है। अब जिस प्रोडक्ट पे मैसेज आया था आप यस अवेलेबल करके अगर कस्टमर जब भी चेक करेगा वो इंटरेस्टेड है तो वो ज़रूर आके लेगा। कैसे लेगा, आपको करना क्या है, सिंपल यस अवेलेबल करके नीचे जो प्रोडक्ट पे मैसेज आया उस प्रोडक्ट की पिक्चर उसको भेज देनी है। कभी कभी क्या होता है कस्टमर भेज तो देते हैं बट फिर उनको पता नहीं होता कि ये कौन सा ऑर्डर है और ये कौन से प्रोडक्ट से आया है कहाँ पे, क्योंकि मार्केट प्लेस में क्या बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं तो बायर्स जो होते हैं ना वो बहुत सारे लोगों को एक साथ ही मैसेज भेज देते हैं, हाँ ये अवेलेबल, मतलब ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना कि अवेलेबल है कि नहीं, ये सारे ना बहुत सारे लोगों के पास भेज देते हैं तो इतने सारे लोगों के आंसर आते रहते हैं। तो आपको क्या करना है ऐसे में कि कस्टमर भूल जाता है बट आपको नहीं भूलना है, ओके, क्योंकि आपके लिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट है लेना। अगर आप डेली के टारगेट सेट करके रखते हो तो मुझे 10 ऑर्डर चाहिए 15 ऑर्डर चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। कस्टमर ने मैसेज किया आपको सिंपल अवेलेबल के नीचे उसको प्रोडक्ट का फोटो भेज देना है, प्रोडक्ट का प्राइस लिख के भेज देना 200, 300, 400 जो भी आपने प्रोडक्ट का प्राइस लिखा है कि ये प्राइस है, पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी है, फ्री होम डिलीवरी है, फ्री शिपिंग है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस इसमें नहीं है, ठीक है, आपको डायरेक्ट लिखना है। सारी चीज़ें लिखने के बाद अगर कस्टमर का रिप्लाई उस टाइम पे नहीं आ रहा है तो आपको ये सारी चीज़ें डिटेल जो है ना वो लिख के शेयर कर देनी है, सब लिख के उसके बाद अगर आप ये जो ऑर्डर है अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं बुक कराना चाहते हैं तो प्लीज़ इसके लिए आप ये डिटेल्स सेंड कर दीजिए। डिटेल्स मतलब नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर और अगर लैंडमार्क बताता है नियर बाय कोई फेमस प्लेस, वो सारी चीज़ें आपको लाइन से लिख के भेज देनी है कि अगर आपको ये प्रोडक्ट बुक कराना है तो आप ये डिटेल्स हमें शेयर कर दीजिए, ठीक है। और कस्टमर को थोड़ा और अट्रैक्ट करने के लिए आप कुछ ऑफर उसमें दे दीजिए। अगर आपने मार्जिन जैसे आपने 100 रुपये का मार्जिन लगाया, ठीक है, अब वो फर्स्ट टाइम ऑर्डर आपके पास आ रहा है, देखो मैं अपनी आपको ट्रिक बता रही हूँ, इस टाइप से मेरे को बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं कि आप फर्स्ट टाइम मेरे से जुड़ रहे हैं तो आपको 20 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा या फिर 25 रुपीज़ का या फिर 50 रुपीज़ का, आप मार्जिन 100 रुपये का रखो जो फर्स्ट टाइम कस्टमर आ रहा है। कस्टमर से ऑर्डर लेने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आपको करनी है ताकि कस्टमर आपका रिप्लाई करे। अब क्या होता है ना, आपने मैसेज कर दिया यस अवेलेबल करके या फिर चलो प्रोडक्ट का प्राइस बता दिया, उसके बाद आपने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं कि कस्टमर को एक वो हो कि नहीं यार मतलब मुझे इसे बाय करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट है। मैंने आपको बताया ना बायर्स बहुत लोगों के पास मैसेज करते हैं, ओके, वो बहुत लोगों में से अगर उन्होंने 100 लोगों को मैसेज किया तो उसमें हो सकता है शायद 3 या 4 लोगों को ही वो ऑर्डर दे, वो भी वो 3 या 4 को जो ऑर्डर मिल रहे हैं तो वो 3 या 4 में आप भी तो हो सकते हो ना। तो आपको कस्टमर को डील करना आना चाहिए इतना डीपली और हर एक चीज़ ओपनली, कोई नहीं बताता जैसे मैं आपको बताती हूँ। मैंने इवन अपनी हर एक एक चीज़ जैसे मैंने डील किया है, आपको मार्केट प्लेस पे लिस्ट करना सिखाया, कस्टमर्स को हैंडल कैसे करते हैं मैंने इस वीडियो में बताया, कस्टमर को लाइव ऑर्डर दे के मतलब दिखाया आपको कि कैसे हैंडल करना है, कैसे कस्टमर से ऑर्डर लेना है, कस्टमर से कैसे बात करनी है, हर एक चीज़ मैंने आपको बताई। इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, बस आपको बता देगा यहाँ लिस्ट करो, ऐसे करो, वैसे करो, बट मैंने आपको प्रैक्टिकली एक एक चीज़ वीडियो में बताई है, इतना कोई आपको बताएगा नहीं, ठीक है। तो प्लीज़
सपोर्ट करो तुम लोग भी, और जैसे मैं बोल रही हूँ उस तरीके से करो। हार नहीं मानना है, एक बार हो गया, दो बार हो गया, होता रहता है, इट्स कॉमन, वेरी कॉमन। मतलब मेरे पास भी मैसेजेस आते रहते हैं, इज दिस अवेलेबल। मेरा काम है कि मैं अपनी तरफ से उसमें 100% दूँ सारी चीज़ें, बाकी कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है वो हमको रिप्लाई करे या ना करे। अगर नहीं कर रहा है तो हमें बैठ के उदास होकर ये बैठ जाना, अरे यार मैसेज आ ही नहीं रहे, किसी का ऑर्डर आ ही नहीं रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं। कोई बात नहीं यार, तुम कंटिन्यूसली पोस्ट करते जाओ, मिलेंगे तुमको ऑर्डर्स। मैं कह रही हूँ ना मिलेंगे, मुझे मिले हैं या मुझे अभी तक मिलते आ रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं मिलेंगे? स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा हम क्योंकि एक्साइटमेंट, मतलब यू नो होती है, एक एक्साइटमेंट होती है, एक नया काम हम कर रहे हैं और उसमें थोड़ा सा धीरे धीरे रिजल्ट मिलता है, कोई बात नहीं, लेकिन रिजल्ट मिलता है। आप कंटिन्यूसली पोस्ट करते जाओ मार्केट प्लेस पे भी, एंड मैंने आपको बताया भी है कौन से प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का नाम तक मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपको लिस्ट करने हैं। अब इतना कौन बताएगा यार, ये प्रोडक्ट का नाम बताया कि वो प्रोडक्ट जाकर के पोस्ट करो, ग्रुप के नेम बताए हैं वहां पे जाकर के पोस्ट करो, कोई बात नहीं, मैसेजेस आ रहे हैं, अपनी तरफ से आप सारी चीजें कर दो, कस्टमर का रिप्लाई जरूर आएगा। अभी नेक्स्ट टाइम से क्या करना, आता है मैसेज आप लिखना हाँ अवेलेबल है, प्रोडक्ट का फोटो भेजना, फोटो के साथ में प्रोडक्ट का प्राइस क्लियरली सब कुछ मेंशन करना, कैश ऑन डिलीवरी है, प्राइस इतना है, शिपिंग चार्जेस नहीं है, होम डिलीवरी फ्री है आपकी, और इतने से इतने दिन में आपका पहुंच जाएगा। अगर आपको ये ऑर्डर बुक कराना है तो आप नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, उनका एड्रेस, पूरा ये डिटेल्स भेज दीजिए, 3 से 4 दिन में 4 से 5 दिन में आपका जो ऑर्डर है वो आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, कस्टमर का रिप्लाई आता है फिर उनके पास बोलिए कि आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, पहले में हम ये ऑफर्स, मतलब कोई भी एक ऑफर रख लीजिए, नहीं भी रखना है, कोई जेन्युइन कस्टमर है वो ऐसे ही आ जाएगा, बट कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कि ये आगे भी हमारे साथ कनेक्ट रहे, इस वजह से कुछ ऑफर्स वगैरह हैं, 20 रुपीज़, 25 रुपीज़ ऐसे कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, क्योंकि मार्जिन आपको ज़्यादा नहीं रखना है, 100 रुपीज़ स्टार्टिंग में ना, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ ऐसे रखो, कस्टमर को पाने के लिए कुछ कुछ ऑफर आप ऐसे कर दो। अगर कोई कस्टमर बोल रहा है कि यार नहीं इतना नहीं, इतने में दे दो, अगर उतना नहीं पड़ रहा है तो आप बोल दो कि नहीं मैं आपकी बात को मतलब रिस्पेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, बट इसमें मैंने ज़्यादा कुछ लगाया नहीं तो मैं आपको कैसे कर दूँ, आप कोई बात नहीं 20 रुपये कम कर दो और इतने में आप ले लो क्योंकि आप मेरे फर्स्ट कस्टमर हो। इस तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट करना सीखो। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें करोगे ना, कस्टमर को एक कस्टमर के तरीके नहीं, एक एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली, ऐसा फील नहीं कर रहा हो कि वो एक नए कस्टमर, मतलब एक नए सेलर से बात कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं करो, उससे एकदम फ्रेंडली बात करो। फ्रेंडली का मतलब ये नहीं कि हाँ यार कैसे यार, ऐसे नहीं, एक तमीज से, रिस्पेक्ट के साथ में, फ्रेंडली नेचर से बात करो कि कस्टमर को ये ना लगे, कस्टमर को लगे अपने से ही मंगा रहे हैं हम, मतलब अपने इंसान से मंगा रहे हैं, ऐसा फील होना चाहिए उसको। और अपनी तरफ से अपना 100% दो, ऑर्डर्स आएंगे, डेफिनेटली आते हैं, कोई नहीं। अगर अभी आपके पास 10 आ रहे हैं मैसेजेस, उसमें आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा है, कल से आप ये चीज़ें करोगे 50 मैसेजेस आएंगे, 100 मैसेजेस आएंगे, उसमें से 5 से 6 ऑर्डर आपको डेफिनेटली मिलेंगे। बट ये तो बहुत मैंने कम बता दिया, इवन उससे ज़्यादा ही मिलते हैं। अगर 50 मैसेजेस आ रहे हैं तो 15 से 20 ऑर्डर तो आपको आराम से ही मिल जाएंगे, लेकिन आपको अपना थोड़ा सा टाइम देना है, ये नहीं सोचना है लेगा नहीं यार बेकार में क्या ही रिप्लाई करें, ये सब नहीं सोचना है, बस आपको अपना 100% देना है। कोई पूछ रहा है आप सारी चीज़ें भेज दो, कस्टमर इंटरेस्टेड होगा, जेन्युइन होगा, वो आपके पास आएगा। दूसरी बात, जो मैसेज आ रहा था कि फ्रॉड वाला भी होता है, हाँ ये इस चीज़ से मैं बिल्कुल सहमत हूँ पूरी तरीके से, फ्रॉड वाले मैसेजेस भी बहुत आते हैं तो उनसे थोड़ा बच के रहें। एंड सारी चीज़ें देखो मैंने आपको पहले से ही मैंने इन सब चीज़ों पे वीडियो बना दिया है ताकि आप लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाएं, सारी चीज़ें सीखने के बाद ही मार्केट प्लेस में उतरें और प्रोडक्ट को लिस्ट करें। बट क्या होता है, कुछ लोग वीडियो देखते नहीं है तो उनको पता चलता नहीं है कि ये स्कैम हो रहा है, वो स्कैम हो रहा है, जब हो जाते हैं तब आकर के कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, सीरियसली मुझे दिल से बहुत बुरा लगता है कि मैं आप लोग के लिए ही वीडियो बना रही हूँ। स्कैम के ऊपर अगर मैंने कुछ भी वीडियो बनाया उसको ज़रूर देखा करो ताकि आगे आपके साथ कोई स्कैम ना हो सके। स्पेशली मार्केट प्लेस पे जो स्कैम चल रहे हैं उससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, स्कैम पे बनाए हैं, मीशो पे जो डिलीवरी बॉयज़ वगैरह कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप देख लो, क्योंकि जिस चीज़ से आपको पैसे कमाने हैं उस चीज़ के बारे में आपको एक एक नॉलेज होनी चाहिए, एक एक चीज़ पता होनी चाहिए ताकि आप अलर्ट हो सको और आपको हर एक चीज़ पहले से पता हो। तो प्लीज़ वीडियो को और जाकर के देखिए, मेरे चैनल पे और वीडियोस पड़े हैं, जैसे मीशो का कंप्लीट कोर्स है, रीसेलिंग करनी है
पूरा वो वीडियो आप देखिए, ठीक है। फेसबुक मार्केट प्लेस में मैंने इंपॉर्टेंट सेटिंग बताई है, ग्रुप के नेम बताए हैं, प्रोडक्ट के नेम बताए हैं, वो जाकर के चेक करिए। मीशो के अंडर 99 रुपीज वाले प्रोडक्ट्स बताए हैं, वो जाके चेक करिए। ये वीडियो जाकर के चेक करिए। इसमें मार्केट प्लेस मैंने बताया कस्टमर मिलता कैसे है, ऑर्डर हैंडल मतलब कैसे करते हैं, कस्टमर को हैंडल कैसे करते हैं, ये सारी चीजें बताई, वो जाकर के देखिए और उसके बाद से आप स्टार्ट करिए एक एक चीज़। और स्पेशली स्कैम बना तो प्लीज़ ध्यान से, ऑनलाइन पेमेंट अगर कोई बोल रहा है तो बिल्कुल मत लीजिए। कितना भी बोले वो सिर्फ और सिर्फ आपको ना बेवकूफ़ बना के आपका अकाउंट हैक करेगा और पैसे जो पड़े होंगे वो सब गायब हो जाएंगे। किसी से भी ऑनलाइन पेमेंट के चक्कर में ना पड़े। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं ये मार्केट प्लेस से कि ऑनलाइन पेमेंट आ रहा है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है फिर भी मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मतलब आप लोग वीडियो देखते नहीं हो मेरे पूरी। प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, जो भी वीडियोस आए तुरंत देखो, क्योंकि मैं अगर आपको कोई नॉलेज दे रही हूँ तो प्लीज़ आप उसको लो। क्योंकि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, रीसेलिंग स्टार्ट कर रहे हो, मैं सही बताऊँ रीसेलिंग में एक्चुअली पैसा है, मैं कमा रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ अपना एक एक तरीका। क्योंकि इसमें क्या है, ये एक तरीके का बिजनेस है और ऐसा बिजनेस जिसमें आपका जीरो इन्वेस्टमेंट है, एक रुपया आपका नहीं लगने वाला है। तो वो चीज़ें कैसी होती है उसकी पूरी नॉलेज लेना ज़रूरी है। सारी वीडियोस जाके देखो, रीसेलिंग के मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, जाके सारे वीडियोस एक बार चेक करो, उसके बाद से स्टार्ट करो, डेफिनेटली तुमको ऑर्डर्स मिलेंगे। इवन आज अगर तुमने सारे मेरे वीडियोस देख लिए वो रीसेलिंग वाले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने मेंशन है वही वीडियोस जाकर के देख लेना, बस हो जाएगा। उसके बाद से कल से तुम लिस्ट करोगे ना तो तुम्हारे पे ऑर्डर भी आएंगे, ऑर्डर भी आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बट आपको हार नहीं माननी है। ऑनलाइन स्कैम जो हो रहा है उसके बारे में मैंने आपको बताया कैसे डील करना, निकल लो वहाँ से बेकार में, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, ठीक है। आपको पता है कोई बोल रहा है ऑनलाइन पेमेंट के लिए सिंपल, इसका मतलब है कि वो फ्रॉड है, उसके आगे तुम्हें कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है, बेकार में टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। कैश ऑन डिलीवरी आपने बोल दिया, कस्टमर मान गया, उस कस्टमर पे आपको अपनी जी जान लगा देनी है कि वो ऑर्डर आपको मिल जाए। ओके, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, थक गया होगा ना, कोई बात नहीं, जरूरी था ना जानना। नेक्स्ट, एवरी मार्केट प्लेस में लिमिट रीच्ड एज यू आर न्यू टू मार्केट प्लेस देयर इज अ टेम्परेरी लिमिट। हाँ, ये मैसेज तब आता है जब आप मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट लिस्ट करने जाते हो, तब ये मैसेज आपको शो करता है। ये क्यों शो करता है, क्योंकि मार्केट प्लेस में अभी नए यूजर्स के लिए एक लिमिट लगा दी गई है, जिसमें कि आप वीकली आप 10 पोस्ट ही कर सकते हो, मतलब वीक में सिर्फ 10 प्रोडक्ट ही आप लिस्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। बट देखो, मैंने आपको बोला है ना, सिर्फ एक प्रोडक्ट, मैं मार्केट प्लेस पे मुश्किल से 3 या 4 प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, या फिर एक्चुअली करते भी नहीं हो, मेरे जो प्रोडक्ट पड़े हुए हैं या फिर हफ्ते में कभी कोई एक प्रोडक्ट जो मुझे एकदम भाग गया, हमको खुद भी पता होता है कि क्या प्रोडक्ट जो है हमारा वो ज़्यादा बिकेगा, ठीक है, हमको खुद भी पता होता है, कैटेगरी वाइज भी मैंने आपको बताया है। तो मैं उस अकॉर्डिंग एक ही पोस्ट, वीक में एक पोस्ट ही डालती हूँ, उसी पोस्ट से मेरे को ऑर्डर्स मिलते रहते हैं डेली के, कभी 10 ऑर्डर, कभी 15 ऑर्डर, कभी 20 ऑर्डर, मतलब इस तरीके से मिलते रहते हैं। तो आप जो भी प्रोडक्ट डाल रहे हो वो प्रोडक्ट आपको अच्छा प्रोडक्ट सिलेक्ट करके डालना है, एंड वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कौन सी कैटेगरी में डालना है सारी चीज़ें। तो लिमिट का है तो हाँ, सिर्फ 10 प्रोडक्ट जो है आप अभी लिस्ट कर सकते हो, तो अच्छे से लिस्ट करो। बाकी ग्रुप में तुम अनलिमिटेड कर सकते हो, ग्रुप में कोई वो नहीं है। अब अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं कि दिन भर में तुम 10-12 प्रोडक्ट लिस्ट कर दो, ऐसा नहीं। डेली के सिर्फ 2 पोस्ट रखो, मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट लिस्ट कर दो। ग्रुप में अगर चाहते हो कि नहीं ये प्रोडक्ट है, अभी जैसे सेल चल रहा है, अभी मीशो में सेल चल रहा है, या फिर ग्लो रोड से आप रीसेलिंग कर रहे हो, या फिर जिससे भी आप रीसेलिंग कर रहे हो, जहाँ पे ऑफर्स वगैरह चल रहे होते हैं ना, उन प्रोडक्ट को पोस्ट करो, उसमें ज़्यादा मार्जिन मिलने के चांसेस होते हैं ना, मज़ा आता है ना, ज़्यादा मार्जिन मिल जाता है, कम प्रोडक्ट में ऑफर में आपको मिलता है इसलिए। तो ये लिमिट रीच का मैंने बता दिया। हाँ, एक ये वाला भी मैसेज मेरे पास काफ़ी आया था, DMs भी आए थे, ये डिक्लाइन और एक्सेप्ट करके यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आता है और यहाँ पे लिखा होता है, कस्टमर का नेम लिखा होता है और वो बोलता है ऑफर यू करके, उसके आगे प्राइस होता है, नीचे लिखा होता है डिक्लाइन और एक्सेप्ट। अब इसमें ना बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरे से पूछ रहे थे कि इसका क्या मतलब होता है डिक्लाइन और एक्सेप्ट, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। देखो, इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास ये जो ऑफर आया ना, आप ऑफर देख सकते हो लिखा हुआ है 150 रुपीज़, ओके, एंड ऊपर मैंने जो प्रोडक्ट लिस्ट किया था वॉलेट का है, ओके, वॉलेट मैंने ये लिस्ट किया था, अब ये वॉलेट का भी प्राइस मैंने कितना रखा है 150 रुपीज़। जब प्रोडक्ट का प्राइस 150 है और कस्टमर आपको वही सेम प्राइस ऑफर कर रहा है, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ये इसलिए होता है ना,
कि ऑफर एक्सेप्ट आप इसलिए करते हो कि कस्टमर ये मैसेज क्यों भेजता है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले कंफर्मेशन के लिए भेजता है कि कभी कभी क्या होता है ये वाले जो मैसेजेस भेजता है ये मोस्टली जो हमारे कस्टमर्स होते हैं ना वो बहुत जेन्युइन होते हैं, वही ये मैसेजेस भेजते हैं कंफर्मेशन के लिए कि आपने जो प्राइस अपने प्रोडक्ट में मेंशन किया है वो प्राइस उतना ही है, ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा है। आपने देखा होगा मार्केट प्लेस पे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें सिर्फ एक रुपये लिखा होता है, ओनली एक रुपये लिखा होता है। अब आप सोचते हो कि अब क्या होता है वो सिर्फ प्रोडक्ट एक रुपये का नहीं मिल रहा होता है, ओके। जब आप उस पर मैसेज करोगे तो फिर वो बताएंगे कि एक रुपये आपका शिपिंग चार्ज है या फिर वो जो एक रुपये वो डिलीवरी चार्ज है, बाकी प्रोडक्ट का प्राइस इतना है। तो इसलिए कस्टमर जो होते हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए वो आपसे कंफर्म करने के लिए ये आपको मैसेज भेजते हैं कि ऑफर यू करके 150 अगर आपने प्राइस डाला है उतना ही आपको ऑफर कर रहे हैं। अगर उतना ही प्राइस है आपके प्रोडक्ट का तो आपको सिंपल सा एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ ये प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 150 रुपीज़ है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है, ओके। अगर प्रोडक्ट का प्राइस 150 है और कस्टमर आपको बोल रहा है 120 रुपीज़ ऑफर कर रहा है, ऑफर यू 120 या 130 करके उससे कम बोल रहा है, तो आपको सिंपल से मना कर देना है कि देखिए मतलब तब आपको डिक्लाइन पे क्लिक करना है कि आपको उनका ऑफर जो है वो एक्सेप्ट नहीं है। प्रोडक्ट का प्राइस है 150 रुपीज़ और आप उसको कस्टमर को डील कर सकते हो, अगर कस्टमर इंटरेस्टेड है तो आप उनको डील कर सकते हो कि यार मतलब यार नहीं मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ, ठीक है। कस्टमर को आप डील कर सकते हो कि प्रोडक्ट का प्राइस इतना है, मेरा एक्चुअली इतना मार्जिन नहीं है, पहले आपको कस्टमर से बात करके उनका नाम पूछना, उनका नाम लेके या फिर सर या मैम लेकर बोल के आपको उनको बोलना कि देखिए मेरा इतना प्राइस है नहीं, अगर जो प्राइस आपको ज़्यादा बताते हैं और कम करेंगे इसका मतलब समझ जाइए वो आपसे लूट रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट का प्राइस इतना ही है क्योंकि आप उस नॉर्मल 100 रुपये 110 रुपये का तो वॉलेट रहता है, अब तुम 30-40 रुपये भी नहीं कमाओगे एक ऑर्डर से तो फिर तो कुछ बनने वाला नहीं है ना। तो कस्टमर से बात करके उनको समझाना है और कस्टमर बहुत इंटरेस्टेड है कुछ बोल रहा है तो मतलब पहला कस्टमर मिल रहा है आपको, तो 10 रुपये कम कर दो बस, इससे ज़्यादा नहीं करो। अब 40-50 रुपये में तो पूरे कम कर दोगे, 25-30 रुपये तो क्या ही मिलेगा तुमको, मिनिमम 30 रुपये मार्जिन तो तुम अपने पास रखो ही। और ज़्यादा मार्जिन वाले अभी क्या है जैसे सेल चल रही है ऑफर चल रहे हैं उसमें कम भी मिल जाता है, 100-100 रुपये मार्जिन लगाओ, अगर कोई कस्टमर बोलता है कम करने के लिए 20-30 रुपये तुम कम कर सकते हो तब भी तुम्हारा 50-60 रुपये का मार्जिन 70 रुपये का मार्जिन रहेगा। तो नॉर्मल इतना तुम लेके चला करो कि कस्टमर अगर कम करने को बोल रहा है फिर भी तुम्हारा एटलीस्ट 50 रुपये मार्जिन तो निकल ही है। ऑब्वियसली इतनी मेहनत करो तो इतना तो पर प्रोडक्ट पर बनता ही है। फिलहाल तो जैसे कुछ ऐसी कैटेगरी होती है लहंगा वगैरह उस पर ना आप डायरेक्ट 2000, 500, 1000 एक एक ऑर्डर से मिल जाता है, मतलब कि मीशो में जो लहंगा की कैटेगरी है वो बहुत ही सस्ते हैं, 800-900 रुपये में भी ऐसे मज़ेदार लहंगे मिल जाते हैं। अब पता नहीं वो कैसे डिलीवर्ड होते होंगे, आई डोंट नो, बट मैंने मीशो में जो भी लहंगे सेल किए ना उसमें अच्छा खासा मार्जिन आप लगा सकते हो, 700-800 रुपये को आप आराम से 1500 रुपये में बेच सकते हो, 1000-1200 रुपये में बेच सकते हो, नॉर्मल 200-300 रुपये का मार्जिन भी अच्छे से लगा सकते हो। कुछ ऐसी कैटेगरी होती है ना जिसमें तुम मार्जिन लगा सकते हो, बट कुछ ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें तुम ज़्यादा मार्जिन नहीं लगा सकते। अब जैसे कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे कुछ लिपस्टिक है या फिर आईलाइनर है, अब सबको पता है वो स्केच आईलाइनर नॉर्मल 80-90 रुपये का 100 रुपये का तुमको मिलता है, ठीक है, उसमें तुम मैक्स टू मैक्स 50 रुपये का मार्जिन लगा सकते हो, उससे ज़्यादा लगाओगे तो भाई कस्टमर लेगा ही नहीं तुमसे। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं वो कैटेगरी वाइज मतलब डिपेंड करता है, लहंगा ऐसी कैटेगरी है कि उसको तुम सेल कर सकते हो, नॉर्मल 200-300 रुपये 500 रुपये बढ़ा करके ले सकते हो, लेकिन बाकी सब में नहीं ले सकते। टॉप है या कुर्ता सेट है उसमें तुम 100-150-200 रुपये का मार्जिन नॉर्मली रख सकते हो, बट कुछ ऐसी कैटेगरी जिसमें तुम नहीं रख सकते, जिसमें तुम 50-100 रुपये इतना ही रखोगे तो ही कस्टमर को मतलब ऑर्डर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा कम प्राइस रखो, अच्छी रेटिंग वाले रखो, सारी चीज़ें ऐसे करो, डेफिनेटली ऑर्डर मिलेंगे यार, क्यों चिंता करो। रीसेलिंग में एक्चुअली पैसा वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के एक बिजनेस कर रहे हो, इससे ना कस्टमर को डील करते करते आपका माइंड भी बहुत शार्प हो जाता है और एक बिजनेस करने का तरीका भी आपको पता चलता रहता है धीरे धीरे। इसलिए मैं इस चीज़ को सिखा रही हूँ, बता रही हूँ आप लोग को, कोई भी चीज़ का आप लोग को दिक्कत आता है इंस्टा पे भी DM आता है मैं तुरंत रिप्लाई करती हूँ आप लोगों का, कमेंट्स भी आते हैं तो मैं तुरंत रिप्लाई करती हूँ, ज़्यादा हो जाते तो शायद कोई कमेंट्स छूट जाए जिसका रिप्लाई नहीं कर पाऊँ उसके लिए सो सॉरी, बट मोस्टली मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। एंड जो भी वीडियोज़ होते हैं उसके लिए मैं अपनी जी जान लगा देती हूँ कि एक एक चीज़ बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा सकूँ और आपको समझ में आ जाए। अब आई थिंक ये जो कुछ इश्यूज थे पेंडिंग वाले वो मैंने आपको बता दिए, मैसेज वाले जो बहुत आते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, साथ ही जो
एक और जो शो नहीं करते, हाँ ये वाला भी मैसेजेस बहुत आए मेरे पास कि मैसेज शो नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसमें ना कई सारे कमेंट्स, अभी एक एक पढ़ेंगे तो और भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो हाँ, पेंडिंग मतलब मार्केट प्लेस पर जब आप लिस्ट करते हो ग्रुप में, वो शो नहीं करता है। क्यों नहीं शो करता है? कभी कभी ग्रुप में शो नहीं करता, मतलब मैं बोल रही हूँ मार्केट प्लेस में जब आप लिस्ट करते हो तो वो वाले ग्रुप आपको शो नहीं करते हैं जो ग्रुप आपने ज्वाइन किए होते हैं। हाँ, ऐसा हो रहा है। अभी क्या, मार्केट प्लेस में आपने बहुत ज़्यादा ग्रुप ज्वाइन किए हैं ना, आप जैसे ये होता है 50-60 ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया, 30-40 ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिए, तो सारे ग्रुप एक साथ नहीं आते। अभी मैं देख रही हूँ, अभी ये चेंजेस हुए हैं, पहले ऐसा नहीं था, सारे ग्रुप्स आ रहे थे लाइन से, अब जितना चाहो वहीं से, मतलब ऑप्शन सारे आपको शो हो जाते थे लेकिन लिस्ट आपके सिर्फ 20 में ही होता था कि 20 ग्रुप में आप लिस्ट कर सकते हो। अभी क्या है ना कि वो 20 आते हैं बट वो 20 वही नहीं आते जो आप सोच रहे हो। तो ऐसा भी होता है कि आपने बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन करके रखे हैं और उसमें आपके सिर्फ कुछ ही ग्रुप ऐसे हैं जो शो कर रहे हैं एंड कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो नहीं शो कर रहे हैं। इसमें कुछ ग्रुप का भी ऐसा होता है कि ग्रुप के एडमिन जो होते हैं ना, वो अभी अलाउड नहीं कर रहे हैं, कुछ नए चेंजेस हुए जिस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आपको मैंने ये वीडियो बनाया था, इसमें मैंने आपको बताया था दो तरीके के ग्रुप में कैसे लिस्ट किया जाता है। एक ग्रुप होता है जिसमें सिर्फ एक ही ग्रुप में ऑप्शन होता है, दूसरा ऐसा होता है जिसमें आपको कई सारे ऑप्शन, जैसे कि आप मार्केट प्लेस में लिस्ट करते वक्त 20 ग्रुप में लिस्ट करने का ऑप्शन आता है, वैसे सेम ग्रुप में भी आपको मिल जाता है। वहाँ पे लिखा होता है व्हाट आर यू सेलिंग, आपकी प्रोफाइल होगी, उसके आगे लिखा रहेगा व्हाट आर यू सेलिंग, उस पर जब आप क्लिक करोगे, प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे, वहाँ से लिस्ट इन मोर ग्रुप का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आपके सारे ग्रुप शो हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर मार्केट प्लेस में आपका वो ग्रुप नहीं शो कर रहा है तो आप ग्रुप में जाके जो व्हाट आर यू सेलिंग करके आता है उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप सारे ग्रुप में एक साथ लिस्ट कर सकते हो। ये वीडियो देख लेना, इस वीडियो में मैंने एक चीज़ मतलब बताई है, करके बताया है कि ग्रुप में कैसे लिस्ट करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मार्केट प्लेस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे, जो लिमिट रीच की थे, लिमिट रीच का प्रॉब्लम है वो सिर्फ इतना ही है कि अभी वीकली लिमिट हो गई है 10 की, सिर्फ 10 ही पोस्ट कर सकते हैं, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ मैसेजेस का मैंने आपको बता दिया, मैसेजेस आते हैं, आपको अपना 100% देना है बस, उसके बाद बाकी कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। अपनी तरफ से कुछ भी कमी नहीं रखनी है कि सिर्फ यस अवेलेबल करके छोड़ दो, नहीं, पूरा प्रॉपर उनको रिप्लाई करो अच्छे से अगर आपको सेल करना है तो। और दूसरी बात, कोई टाइम लिमिट नहीं है मार्केट प्लेस पे कि आप इस टाइम फ्रेम में ही सिर्फ सेल कर सकते हो, सब में कर सकते हो। और जो चौथा पेंडिंग का था वो मैंने आपको बता दिया कि ग्रुप के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। कुछ होता है कि ये चीज़ें आप पोस्ट नहीं कर सकते हो, वो आप पोस्ट करो, इस वजह से वो पेंडिंग दिखा रहे हैं। कभी कभी ग्रुप में क्या पोस्ट हो रहा है वो आप देखो, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे पोस्टिंग करो। अगर आप देख रहे हो वहाँ पे शॉपिंग वाली चीज़ें जो है वो पोस्ट नहीं हो रही और आप उस ग्रुप में पोस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली पेंडिंग में रहेगा, अप्रूव नहीं होगा, ओके। एंड नेक्स्ट, ये जो चीज़ थी बायर और डिक्लाइन और एक्सेप्ट वाली, कि ऑफर करता है सेम प्राइस ऑफर कर रहा है, यस करना है, सेम प्राइस ऑफर नहीं कर रहा है तो डिक्लाइन करके आपको बोलना है कि नहीं, प्रोडक्ट का प्राइस इतना है और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस इसके ऊपर नहीं लगेंगे। आई होप सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हूँ, फिर भी अगर कुछ रह गया हो, बहुत लंबा हो गया ये भी कोई बात नहीं, सारे आप लोग के जितने डाउट्स थे वो सारे मैंने क्लियर कर दिए। कुछ भी और भी अगर कुछ दिक्कत है इसके अलावा भी तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं सब पे रिप्लाई को कमेंट करोगे तो उस पर भी रिप्लाई करूंगी, इंस्टा पे जब डीएम करोगे तो मैं उस पर भी रिप्लाई करूंगी। कुछ भी दिक्कत आ रहा है आप मेरे को तुरंत पूछ सकते हो, मैं तुरंत बैठी हूँ ना आंसर देने के लिए, ठीक है। चलो, वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और नेक्स्ट वीडियो कौन सा हो बता देना। व्हाट्सएप वाला वीडियो चाहिए कि व्हाट्सएप पे प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करते हैं, तो मैं उस पर आज प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, तो फिर मैं कल अपलोड करूंगी, ठीक है। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, बाय।